क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 181 है, इफ इन अ ट्रायंगल एबीसी, एक ट्रायंगल एबीसी बनाओ। ट्रायंगल एबीसी में क्या है, द मीडियन सीडी, मीडियन बनाओ सीडी, ये रहा सी, ये मान लो डी है। मीडियन क्या होता है, ऑपोजिट साइड को इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देता है, तो एडी डीबी के इक्वल होगा। द मीडियन सीडी एंड बीई, एक है बीई है, जो ई है वो ए सी को इक्वल पार्ट्स में एई और ई सी में डिवाइड कर देगा। कह रहा तो मीडियन सी डी और बी ई इंटरसेक्ट ईच अदर एट ओ, ये दोनों मीडियन ओ पे एक दूसरे को मिलते हैं। देन द रेशियो ऑफ द एरिया ऑफ द ट्रायंगल ओ डी ई, किसकी रेशियो पूछी है, ओ डी ई बनाओ, ओ डी ई, ओ डी ई, ये रहा ओ डी ई, इसकी बात कर रहे हैं, इसका एरिया लेना ओ डी ई का, और ए बी सी, ए बी सी आपका क्या है पूरा है, इन दोनों ट्रायंगल के एरिया की रेशियो बतानी है। ठीक है, ओके जी। इस क्वेश्चन करने से पहले हम क्या करते हैं, एक सिंपल सा कंसेप्ट समझते हैं। आपको मैंने पहले बताया, एक ट्रायंगल के जो मीडियन होते हैं, सारे मीडियन ड्रॉ कर लो, और जहाँ पे मीडियन तीनों मिलते हैं वो क्या होता है, सेंट्रोइड। ठीक है, जो मीडियन तीनों ड्रॉ करने के बाद जो ट्रायंगल 6 पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है, 1 2 3 4 5 6, इन सब का एरिया क्या होता है, इक्वल होता है। ठीक है, उसके बाद में करना है आपने, देखो अभी 6 मिनट डिवाइड किया है, अब दोबारा से बना के बता रहा हूँ, 1 मिनट को ये बना लो दोबारा। एक काम और करो, अब इनको आपस में ज्वाइन कर दो, इसको इससे ज्वाइन कर दो, इसको कर दो इससे ज्वाइन, और इसको कर दो इससे ज्वाइन। ठीक है, अगर आप ध्यान से समझो, ये जो अंदर वाला ट्रायंगल बना है, ये वाला ट्रायंगल, जो अंदर वाला ट्रायंगल मैं बना रहा हूँ, इसको देखना है सिर्फ आपने, ये जो ये वाली साइड है, इसका मीडियन ये होगा, बिल्कुल होगा भाई। ठीक है, क्योंकि वही लाइन है, तो इस वाली साइड का मीडियन ये होगा और इस वाली साइड का मीडियन ये होगा, क्योंकि मिड पॉइंट्स है ना यहाँ पे, मिड पॉइंट्स हैं, ये देखो ये मिड पॉइंट्स हैं। तो इसके अंदर जो 6 ट्रायंगल बने हैं, ये 1 2 3 4 5 6, इनका भी एरिया क्या होगा, इक्वल होगा, सबका एरिया क्या होगा, इक्वल होगा। तो मैं बाहर बना रहा हूँ कहीं पे, दोबारा से समझाने के लिए बता रहा हूँ। ये ट्रायंगल बनाया, पहले ये वाले मीडियंस बना लो तीनों, ठीक है बना लो, बना लिए, फिर अगर इनको ज्वाइन कर दो। ठीक है, अब जो ये अंदर बने हैं, इनका सबका एरिया क्या होगा, इक्वल होगा। ठीक है, चलो जी देखो, और आपको ये भी पता है कि जो हमारा ट्रायंगल है, पूरा पूरा ट्रायंगल है, वो 4 पार्ट्स में डिवाइड हो गया। एक ट्रायंगल ये होगा, एक दूसरा ये वाला, ये पूरा एक है, दूसरा ये, तीसरा और एक है चौथा, समझा। इन चारों का एरिया भी क्या होगा, इक्वल होगा। मैं कन्वीनियंस के लिए अंदर वाले के छोटे से के पार्ट का एरिया 1 मान लेता हूँ। सपोज करो इसका एरिया 1 है, तो इसका ही 1 होगा, इसका ही 1 होगा, इसका ही 1 होगा, इसका ही 1 होगा, इसका ही 1 होगा। तो ये इस वाले ट्रायंगल के लिए कितना बन गया, 1 2 3 4 5 6 6 बन गया। इसका 6 होगा, तो भाई ये जो ऊपर ट्रायंगल बैठा है, इसका भी 6 होगा, कितना होगा 6, इसका भी 6 होगा और इसका भी 6 होगा। समझे नहीं समझे, क्योंकि ये जो ये ट्रायंगल है ना, ये उसी साइज़ के बाकी तीन ये भी ट्रायंगल है, ये भी उसी साइज़ का है, ये भी उसी साइज़ का है, और ये भी उसी साइज़ का, जब मीडियंस हों तब, अगर ट्रायंगल के मीडियन बनाए हों। तो आपसे पूछा एरिया ऑफ ट्रायंगल ओ डी ई, ओ डी ई कहाँ पे, ये था ओ डी ई है ना, ओ डी ई, ओ डी ई इन दोनों को मिलके बनेगा, मींस ये वाला ओ डी ई बनेगा आपका, इतना सही वाला है ना, 1 + 1 मीन्स 2। ओ डी ई का एरिया मेरे हिसाब से कितना आ रहा है, 2 आ रहा है, 1 + 1 है ना, 2 आया। बाकी ए बी सी नीचे रखना है, नीचे क्या रखना है, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी, ए बी सी का एरिया कितना बनेगा, इसका 6 बना, 6 इसका बना, 12 6 इसका बना, 18 6 इसका बना, 24, तो नीचे क्या आ जाएगा, 24, 2/24 आएगा आंसर, काटो 1/12, तो आंसर क्या आएगा, 1:12, 3rd ऑप्शन इसका आंसर आएगा।